आओ पढ़ें पाठ 10, संसार पुस्तक है। पाठ उद्देश्य: संतान के प्रति प्रेम तथा जिम्मेदारी का बोध, प्रकृति प्रेम, प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास करना। पाठ प्रवेश: लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, पंडित नेहरू द्वारा लिखित 30 पत्रों का संकलन है, जिसे सन 1928 में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी को लिखा था, तब वे 10 वर्ष की थी। इन पत्रों द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तथ्यों का बोध करवाया। नेहरू जी के ये पत्र साहित्य की अनमोल धरोहर है। उन्होंने इन पत्रों को अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से किया। जब तक तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों इसी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। यह बड़े मजे की बात है, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उनकी ही बातें मालूम होती हैं, जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पूरा हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया?
अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह। उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गए। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद। शब्दार्थ खतों, पत्रों, दरिया, समुद्र, आबाद, बसे हुए, जर्रा, अनु, बहुत छोटा सा खंड या टुकड़ा। लेखक परिचय जवाहरलाल नेहरू, 14 सितंबर 1899 से 27 मई 1964। आधुनिक भारत के निर्माता तथा विश्व शांति के अग्रदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर कारावास जाना पड़ा। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बच्चों से लगाव होने के कारण इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, 1 ऑटोबायोग्राफी आत्मचरित्र, 2 ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 3 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया।